الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته. فاطما في تدبيراته. حسنا في صفاته. شهيدا في تجلياته. زين العابدين بعباداته. باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته. صادقا في اقواله. قادما في جميع احواله. متمكنا في مسامير الله. جواد الكفر عند القطع. هاديا الى سبيل النجاة. عسكريا مع الغزاة. مهديا الى طريق اليقين. غوث العالمين. معين الملة والدين. أشرف الأولين والآخرين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. جیسے ہی میں اس مجلس امام علی مقام میں داخل ہوا تو میرے کان میں لفظ تعزیہ آ کے ٹکرا ہے. یہ عربی لفظ ہے تعزیہ. اردو میں ہم اسی کو تعزیت کہتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں غم ہو تو ہم تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں. اب اگر آپ کی تعزیت کا طریقہ ٹھیک ٹھاک ہے تو سبھی کہیں گے بڑا ایسا بڑی محبت ہے جو تعزیت میں. میرے باپ مر گئے تو تعزیت میں آیا. اللہ تیرے کو اچھا ہے. اگر ناشتہ ہوا کودتا ہوا فلمی انداز سے آیا بھائی کائے کو آئے ہو بولے تعزیت کے لیے آیا. کہ بھائی ایسی تعزیت اپنے گھر میں لے کے چلا. طریقے پر بحث ہوتی ہے. دیکھیے ڈھونڈا کرو کھوجو ڈسکوری کی طرف جاؤ کہ جب اللہ کے رسول نے پہلی بار نماز پڑھی تو نیت کیا تھی. ہمیں وہ نیت سے ہی نماز آج پڑھنا. کسی بدنیت کی نیت کو داخل نہیں ہونے دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا روزہ رکھا. پہلا روزہ تو نیت کیا تھی.
पहला हज किया, नीयत क्या थी, उमरे के लिए जाना चाहा, नीयत क्या थी, क्योंकि अमल से बड़ी चीज नीयत है। नीयत गायब, अमल गायब, उसका सवाब गायब। इन नमल आमलु बिन नियत, नियत को हल्का मत समझो, नियत में तो इतनी ताकत है कि फर्ज सुन्नत नफिल नमाज को बना दे। नमाज नमाज है, दो रकात नमाज फर्ज वक्त फर्ज। क्या पढ़ते हो सूरह फातिहा फर्ज में, क्या पढ़ते हो रुकू में तुम्हारे रब्बे लजीम, सज्दे में क्या पढ़ते हो तुम्हारे रब्बे अला, नमाज फर्ज है, पढ़ते क्या हो अत्तहियात कभी कभी बधाई नहीं पढ़ते, सज्दे में क्या कहते हो तुम्हारे रब्बे अला, और जब सुन्नत पढ़ते हो तो क्या करते हो वही सूरह पढ़ते, वही सुभान रब्बे का, वही अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुन्नत मैंने पढ़ ली, अबे फर्ज में तुमने वही पढ़ा, वही है सूरह फातिहा फर्ज में, अलम तरा कहे फर्ज में, और लैला फर्ज में, और वही तुमने पढ़ा सुन्नत में, सूरह फातिहा सुन्नत में, अलम तरा सुन्नत में, लैला सुन्नत में, और वही तुमने दो रकात नफिल में भी पढ़ा। तो ये पढ़ते तो तुम एक ही चीज हो, फिर ये फर्ज अदा हुआ, ये सुन्नत अदा हुई, ये नफिल अदा हुआ, ये फर्क कहाँ से आया, बोले नीयत से, नीयत की वजह फर्ज की, वही दो रकात फर्ज हो गई, अदा हो गई, नीयत की सुन्नत की सुन्नत हो गई। मिया नीयत करो तो जो सबसे पहले दुनिया में जिसने ताजिया बनाया उसकी नीयत क्या थी, आज की ताजिया गाड़ी आज के आवारा लोगों पे छोड़ो, लेकिन जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया तो नीयत क्या, उसकी नीयत ये थी कि मैं करबला से दूर हूं, हर साल करबला देखने जाता हूं, जंग में मैं फंस गया हूं, करबला जा नहीं पाऊंगा, तो एक यादगार बना लो निशानी। तो नीयत थी निशानी बनाने की, और निशानी किसे कहते हैं, जो असल ना हो, हाशमी हाशमी की निशानी नहीं है, मैं असल हूं, निशानी हमेशा दूसरी होती है, और जिसकी होती है वो दूसरा होता है। जैसे मौलाना ने मोहब्बत से कहा, बुजुर्ग ये जो आपकी अंगूठी 4.5 माशा चांदी की है हमें दे दीजिए, बोले मौलाना साहब तुम सब क्या करोगे, हुजूर आपकी निशानी जब अंगूठी देखूंगा आप याद आएंगे कि आप ही ने दिया, तो निशानी ये अंगूठी हाशमी नहीं है, ये अंगूठी मोहदी से आजम की औलाद नहीं है, हाशमी और है निशानी और है, असल के मुताबिक निशानी नहीं होती, तो असल की बहस ही बंद करो। जब मैं अंगूठी देखूंगा तो हुजूर आप याद आएंगे कि आपने दिया है आपकी निशानी, कहते भाई निशानी की तौर पे कुछ दे दो, तो मैंने कहा मैं तुमको अंगूठी नहीं दूंगा, जब अपनी खाली उंगली देखोगे तो मैं याद आऊंगा कि मैंने निशानी नहीं ली। निशानी का काम है याद दिलाना, असल की तरह कभी नहीं होती। कुरान में है, कौन इनकार करेगा कुरान से,
inna safa wal marwata min sha'airillah. सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, बेशक ना सफा अल्लाह की तरह है ना मरवा अल्लाह की तरह है, दोनों पहाड़ी है, दोनों की बात अलग है, बात अलग है। सफा मरवा पहाड़ी है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए उनकी अम्मा पानी को ढूंढने में सफा पे चढ़ गई कि कहीं दूर तक पानी दिख जाए, नहीं दिखा तो दौड़ती हुई मरवा पे गई, सफा से मरवा, मरवा से सफा। एक अल्लाह वाली का कदम जो नबी भी नहीं है और रसूल भी नहीं है, रसूल की बीवी है, नबी की माँ है, बट खुद नबी नहीं है और तय नबी नहीं होती, क्योंकि अगर औरतों को नबी बना दिया जाए तो उसके उम्मती उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आजकल जमात नहीं हो रही तो हमारा जो नबी है पाक हालत में नहीं, औरत है, हर महीने जमात छूटे, कहीं नापाक भी नबी बनेगा जो पाक हमेशा अपने को रख सके। खैर ये तो मैंने मिजाहन कहा, लेकिन वो अल्लाह की वलियां हैं, आरिफां हैं, जाहिदां हैं, साजिदां हैं, अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। तो एक पाक औरत का कदम सफा मरवा पे पड़ जाए तो सफा मरवा को कुरान कहता है ये अल्लाह की निशानी है, क्योंकि वो बंदी जब अल्लाह को पसंद तो उसकी जो निशानी है वो भी अल्लाह को पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छाती पे हाथ रख के बताओ, काबा देखते हो तो पता याद आता है कि नहीं, बेशक काबा अल्लाह की निशानी है, बिल्कुल है। वली को देखो तो खुदा याद आता है कि नहीं, वली भी खुदा की निशानी है। जब किसी सैयद को देखते हो तो अहले बैत याद आते हैं कि नहीं, वो भी उसकी निशानी है। ईमानदारी से बताओ, जब तुम ताजिया देखते हो तो शोहदाए करबला याद आते हैं कि नहीं, निशानी है। और निशानी कहीं असल की तरह होती है न, सफा मरवा खुदा की तरह है मगर निशानी है, अहले बैत रसूल की तरह नहीं मगर निशानी है, काबा भी खुदा की तरह नहीं है मगर निशानी है, तो ये ताजिया भी हुसैन की तरह नहीं मगर निशानी है। जब हम अलम देखते हैं तो अब्बास अलम बकार याद आते हैं कि नहीं, अब याद आना भी मना कर दोगे? हाँ, तरीके पर नजर रखने की जरूरत है कि तरीका आपका सही होना चाहिए। अरे मीला शरीफ कितनी उमदा चीज है, तरीका गलत करोगे तो मस्जिद में जाना कितना सवाब की बात है, नाचते हुए जाओगे ढोल बजाते हुए जाओगे तो तरीके को रोका जाएगा, निशानी को नहीं। ये तो हो गई जो आपसे मैंने घुसते ही सुना। हमारे जितने उलमाए किराम ने होशियार किया है ताजियादारी के बारे में, उन्होंने मुरव्वजा ताजियादारी पर बात की है। मुरव्वजा ये तो तुमने रवाज बना लिया उल्टा सीधा, इसको बंद करो। अभी क्या उर्स हराम है? नहीं, लेकिन जो गलत तरीके से उर्स करोगे तब रोका जाएगा। मेरे सर मल गुना गड़बड़ गड़बड़ गुरु से लाओ, उर्स को नहीं रोकेंगे, उसमें जो खराबियां शामिल हो गई हैं उसे निकालेंगे। इसलिए अपनी अपनी खराबियां दूर करो और निशानियों के पीछे चलते। और अगर किसी को मजीद समझना हो तो आला हजरत ने मना किया, अबे तुमने आला हजरत को पढ़ाई कितना,
तो उससे ज्यादा हम जानते हैं, क्योंकि किचौछे के पेट में क्या है बरेली को पता है, बरेली के पेट में क्या है किचौछे को पता है। लिखा है उसमें ये क्यों लिखा कि अगर नक्श सही या बर्बर है सही बनाया जाए तो ताजिया बना कर रखा जा सकता है। तो ताजिया के खिलाफ कहाँ है, मुरवजा के खिलाफ है। मुरवजा के खिलाफ तो मैं भी हूँ और आपको भी मुरवजा। मुरवजा माने जो राज हो जाता है या जो चल जाता है, जो चला दिया जाता है, तो घुसे हो दिया जाता है। गड़बड़ तो गड़बड़ सड़बड़ निकालो, अब महिला बढ़िया माल बचाओ। तो ये न मानना कि ताजिए में इमाम हुसैन है, ताजिए में अली अजहर है, ताजिए में नहीं, निशानी में असर होता कहाँ है। अंगूठी में हाशमी नहीं, सफा मरवा में खुदा नहीं। तो खुदा कह दीजिए आप उसको कि खुदा की तरह सफा मरवा, इसलिए निशानी असल की तरह होती ही नहीं। असल और होता है, निशानी और होती है। निशानी का काम है असल को याद दिलाए। तो यजीदी होगा जिसको तकलीफ और हुसैन के याद आने हैं। मेरा इमाम ना ऐसा था ना है और ना कभी हमारा कोई इमाम ऐसा होगा। मजीद समझने के लिए मैं अभी सुबह 10 बजे तक हूँ, फिर मैं अपने कमरे में बैठा बैठा ये सुन रहा था। अल्लाह शाकुर इस्लाम अल मुसलमीन का कोई कलाम पढ़ रहा था, सिद्दे नबी है, पुश्ते नबी है और सजदे की हालत है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। इमाम हुसैन पूरी दुनिया में कितने मकबूल, इतना अच्छा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमें फूल जमीन से निकलते हैं ना, सारा खेल जमीन का है। पंजाब का बासमती फतेहपुर में पैदा होगा, क्या गलती की है फतेहपुर ने जो ना पैदा हो। बोले हुजूर फतेहपुर वाले तो बड़े अच्छे हैं, जमीन जमीन का जवाब, पंजाब वाली मिट्टी यहाँ नहीं। जो ज्वार बाजरा यहाँ पैदा होता है का तमिलनाडु में पैदा होगा, नहीं होगा। किसानों का फर्क नहीं है, जमीन का फर्क। बीज अच्छा हो, जमीन फेवरेबल हो तो पेड़ कैसा होगा, फल कैसा होगा। चलो इमाम हुसैन की जमीन तलाश करें। जमीन है मां, बीज है बाप। औरत की कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, वही उसकी जमीन है। किसान बीज डालता है, जमीन अनाज देती है। मालिक कौन होता है? किसान। जमीन मालिक नहीं होती। कभी कोई जमीन नहीं कहेगी है ये बाजरा मैंने उगाया है लेके मत जाना। जमीन मालिक नहीं, मालिक किसान। बच्चा पैदा हो तो मालिक औरत नहीं, मालिक उसका बाप किसान। ये नेचुरल कानून है। ज्यादा बात करूंगा तो सुबह हो जाएगी। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हुसैन की माँ,
एक फजीलत बताऊंगा फातिमा से, हमारी माँ बहनें जहां भी सुन रही है, घरों में कमरों में बैठी सुन रही है, और जिनके घर से औरतें नहीं आई हैं या मर्द सुन रहे हैं, नौजवान लड़के सुन रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कोई औरत 300 दिन मुसलसल नमाज नहीं पढ़ सकती। औरत जवान है, एक में बच्चा नहीं है, तो 3 हफ्ते के बाद नापाकी का दौर आएगा। अरबी में उसे हैस कहते हैं, उर्दू में माहवारी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं मंथली पीरियड है ये। और उसमें उस पर नमाज नहीं है, कजा भी नहीं है, तब तक औरत पे नमाज माफ जब तक ना हो जाए पाक साफ। और ये हर महीने औरत से जो खून निकलता है अच्छा है, हेल्दी है, स्वास्थ्य वर्धक, क्योंकि वो खून जो है औरत के लिए नहीं है, वो खून बच्चे के लिए। इसीलिए जब वो गर्भवती होती है, पेट में हमल ठहर जाता है, खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि अब खून का इस्तेमाल शुरू हो गया, अंदर बच्चा आ गया, सारे बच्चे माँ के पेट में माँ के खून से बनते हैं। तेरी आंख है, तेरा चेहरा, तेरे दोनों हाथ पैर, तेरा पेट, तेरा दिल, तेरा जिगर, तेरा गुर्दा, तेरा दिमाग, सब माँ के खून से बना है। तेरा पूरा ढांचा तेरी माँ के खून का कर्जा है। कैसे अदा करेगा तू अपने माँ के एहसान को? जो दिल तेरे सीने में धड़कता है वो माँ के खून से बना है, जो दिमाग तेरा कारोबार में चलता है जो दिमाग तेरी माँ का दिया हुआ है, लहू खून। माँ बूढ़ी हो जाए तुम उस माँ को छोड़कर तो भाग जाओगे, अपनी जड़ से गद्दारी करोगे? वो माँ जिसने न सिर्फ अपने खून से तुम्हारे शरीर के हर भाग को बनाया, वो माँ जिसके खून से तेरा पूरा बदन बना है, जब तू पैदा होता है तो ना दिन की गर्मी देखती है न ठंडक, न दिसंबर की सर्दी उसे नजर आती है, न मई जून की गर्मी। तुझे बचाती है, तुझे पालती है, तुझे सुलाती है, तुझे दूध पिलाती है। ऐसी औरत को भूल जाओगे? मानता हूं मैं कि बीवियां भी अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं, लेकिन बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तू जवान है, जब तू उसकी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है, जब तूने पहनने को कपड़ा और रहने को घर दिया तब उसने मोहब्बत किया। माँ ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू हिल नहीं सकता, तू बोल नहीं सकता था, अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा नहीं सकता था, तब माँ ने तुझे प्यार दिया। दुनिया के तमाम मोहब्बतों में अगर टॉप पे किसी की मोहब्बत है तो वो माँ की मोहब्बत है। इसलिए हर मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते, ममता। सुभान अल्लाह, ममता। जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं बस वही एक मेरी माँ है,
जब हम इंसानों में दूसरी औरतों को माँ नहीं मानते तो जानवरों में कैसे माँ मानेंगे? क्या बात, क्या बात, क्या निशाना है, क्या बात। तो जब औरत पेट में बच्चा नहीं होता तो खून का कोई इस्तेमाल नहीं रहता, वो निकल जाता हर महीने। लेकिन जब पेट में बच्चा आ जाता है इस्तेमाल शुरू हो जाता है, 9 महीने तक खून बाहर नहीं आता। लेकिन जवान हो पेट में बच्चा ना हो तो 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, जैसे ही पीरियड शुरू होगा नमाज बंद। जब पीरियड खत्म होगा नहा के बात होगी तब नमाज शुरू होगी। दुनिया में आधा अरब औरतें मुस्लिम औरतें, 500 करोड़ मुस्लिम औरतें, एक भी औरत नहीं मिलेगी यहां से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके फिजी तक, पूरी दुनिया में एक औरत नहीं मिलेगी जो जवान हो पेट में बच्चा ना हो 300 दिन नमाज पढ़ ले। पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ सकती। लेकिन इसी नील गगन के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक औरत है जो महीने के 300 दिन लगातार नमाज पढ़ती थी, साल के 365 दिन बगैर नागा के नमाज पढ़ती थी। उस मुकद्दस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक बात और बता दूं, जब इमाम हसन पैदा हुए, पैदा हुए पहला दिन है जो नमाज का वक्त आया, हजरत फातिमा ने नमाज पढ़ी। कौन औरत डिलीवरी के दिन नमाज पढ़ सकती है? सुबह डिलीवरी हुई तो जोहर पढ़ गई, असर पढ़ रही, मगरिब पढ़ रही। उसी दिन जिस दिन इमाम हसन पैदा हुए, जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए, उसी दिन नमाज पढ़ी। यानी विलादत के बाद जो खून निकलता है वो भी नहीं, इसे हैस कहते हैं, इसे नफास कहते हैं। वो फातिमा ज़हरा में ना हैस था ना नफास। इन बेवकूफों से पूछो कि तेरे घर की लड़कियां रसूल की बेटी की तरह नहीं, तो रसूल की तरह बनने का पागलपन बंद करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राज उन्होंने खोला कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। हूर जो है वो जन्नत की औरत को हूर है, लेडी ऑफ पैराडाइज। तो मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, इंसान भी है और हूर भी है। इंसान कैसे है? मेरी बेटी है। इंसान इसलिए है कि अली की बीवी है, इंसान इसलिए है कि हसनैन की माँ है, और हूर इसलिए है कि न हूर को हैज है नफास है, न फातिमा को हैज और नफास है। अंदाजा लगाइए रसूल पाक की एक बेटी छा गई जमाने की, और इतना पाक क्यों भी अकेली है, अकेली ऐसा पाक क्यों है? इन्हीं को तो रसूल ने कहा कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे शरीर का एक अंग है। तो हुजूर का जिस्म पाक तो टुकड़ा भी पाक, हुजूर की हर चीज पाक। लगे हाथ ये भी सुन लो, हम लोग जब पेशाब करते हैं तो बहुत बचते हैं, छींचा ना पाए, इतना नापाक है कि छींचा भी ना पड़े बच बचा के।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिट्टी के प्याले में इस्तिंजा फरमाया, अपना यूरिन अपना पेशाब उसने भी रख किया और इस्तिंजा कर दिया, ताकि अख्तियार कर दिया। हम देख रहे हैं कुलूफ ले लिया पानी से धो लिया, मगर उस दिन मामला कुछ अजीब था। एक सहाबी को बुलाया और उससे कहा, ये मेरा पेशाब है, जाओ कहीं किनारे इसे डाल दो, जाओ कहीं किनारे इसको डाल लो। अब वो हुजूर की महफिल से उठे, तब सोचने लगे कि मेरे आका का पेशाब है, डालूं तो कहाँ डालूं। झाड़ के किनारे डाल दूं तो कहीं कीड़े मकोड़े इस पर से न गुजर जाए, जंतु गुजर गया, मेरे नबी का है। वो पेशाब नहीं देख रहे हैं, निस्बत देख रहे, नबी का है। और दूर निकल गए सोचते सोचते, हर जगह उनको शक हुआ कि जहां डालूंगा कहीं उसकी बेहुर्मती ना हो। नाव देखा ना ताव देखा, आखिर में यही फैसला किया, पी जाओ। सहाबी के अकीदे में और आपके अकीदे में कितना फर्क है, सहाबी उसे भी पाक समझ रहा है, तुम नबी को अपनी तरह समझ रहे हो। जब सहाबी की तरह नहीं बनोगे तो वहाबी की तरह बन जाओगे। निजामन ये जुमला आपने सुना, मुस्कुराया, आगे बढ़िए। प्राइवेट उन्होंने किया ना छुपा के, अगर सरकार का मूड बहुत बढ़िया था। जब वो लौट के आए तो पूछा, क्या किया तुमने ताकि छुपी बात है नहीं। तैयार और सच्चे लोग तैयार सुनना, मैंने लोगों को सोचा यहाँ डालू वहाँ डालू कहाँ डालू, मैं फिर गिर हुआ लाभी नहीं हुआ, मैंने पी लिया। तो हुजूर ने नहीं कहा कि नापाक चीज कैसे पी लिया, इनाम दिया और इनाम ये दिया कि तेरी सात नस्ल में पेट की बीमारी नहीं हुई।